हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पुआ बनाएंगे। वैसे पुआ या गुलगुल्ला उत्तर भारत में होली या किसी भी विशेष ओकेजन पर जरूर बनाया जाता है, तो आज हम चावल का पुआ बनाएंगे जिसे बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। ये दिखने में सुंदर और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो बिना देर के ये बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दाल वाली कटोरी से एक कटोरी अरवा चावल लिया है, जिसे कच्चा चावल भी कहा जाता है। ये नॉर्मल चावल है। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे वाश कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे, या हमें इसमें इतना पानी डालना है कि चावल पानी में अच्छे से डूब जाए। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। 10 घंटे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं, चावल अच्छे से फूल गया है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें चावल डालेंगे। यहाँ मैंने 4 छोटी इलायची लिया है, इसके बीज को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था, उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी के लगभग चीनी लिया है, इसे ऐड करेंगे। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं, वैसे इतना परफेक्ट है। अब हम 1 गिलास यानी 200 ml के करीब दूध ऐड करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। यानी मैंने दूध को गर्म किया था, फिर ठंडा करके लिया है, साथ में मैंने उसकी मलाई भी ले ली है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी पतला है, हमें इस तरीके का ही पेस्ट चाहिए था। अब हम इसमें 3 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे, जो कि एक बाइंडिंग का काम करेगा, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप यहाँ बैटर को ध्यान से देखें, क्योंकि चावल का पुआ तभी फूला फूला और टेस्टी बनेगा जब इसका घोल यानी बैटर परफेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं, जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो ये वापस से घोल में मिल जा रहा है। इसमें कोई गुठली नहीं है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आपके पुए मोटे मोटे बन जाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो के इस स्टेप को ध्यान से ज़रूर देखें। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ सूखा नारियल यानी गरी डालेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वही ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पुआ बनाने के लिए हमारा घोल तैयार है। यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गरम है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम इसमें एक टूथपिक डालेंगे। आप देख सकते हैं बुलबुले से निकल रहे हैं, यानी तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब हम एक कलछी बैटर लेंगे, इसे बीच में गिराएंगे, ये अपने आप गोल शेप ले लेगा। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आप उतना ही घी या तेल लें जितने में आपका बैटर डूब जाए, उससे ज़्यादा नहीं लें। फ्रेंड्स, मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ केवल वीडियो को देखिए नहीं, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियो अपलोड कर सकूँ। आप देख सकते हैं पुआ फूलकर ऊपर आ गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ताकि ये और अच्छे से फूल जाए। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। छनौटे से इसे दबाते रहेंगे ताकि पुआ अंदर तक पक जाए। ये दोनों तरफ से सुनहरा हो गया है, ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक पुआ बनाने में हमें 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। ऐसे ही हम बाकी के पुए भी फ्राई कर लेंगे।
मैंने सभी पुए को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने फूले फूले बने हैं। ये दिखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे आप होली में या किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं। इसे आप नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ ये कितना परफेक्ट बना है। आप इसे छोला, आलू और चने की सब्जी या अपने पसंद की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।